हाँ जी, तो जी मैं हूँ विक्रम सिंह चौहान, टर्को ब्रॉडबैंड सर्विस से। मिस्टर कुणाल नाग भेड़कर कस्टम हाउस से, आपको GPA 5 का इंस्टॉलेशन चाहिए? मैं आपको बताता हूँ जी। ये है मेरा ई ड्राइव, इसमें गेम्स का फोल्डर, और ये है मेरा GTA 5 इंस्टॉल। ये है उसके पूरे अंदर की फाइल्स। मेरी फाइल्स को ज़्यादा गौर से मत देखिएगा, क्योंकि पता नहीं मैंने इसमें क्या क्या डाल के रखा है, मॉड्स और ये वो। तो बेसिकली ये इसके अंदर की पूरी फाइल्स है। अब मुझे मॉड इसमें डालना है, सॉरी अपडेट। ये है जी अपडेट जो मैंने आपको दिया है। इसमें एक क्रैक का फोल्डर होता है और एक अपडेट होता है। हमें पहले अपडेट इंस्टॉल करना है। हम सेटअप को रन करेंगे, ये बाय करने को बोलेगा, हम इसे भाड़ में जान देंगे, इसको स्टॉप करेंगे और ये इसको ब्राउज करेंगे। ये ब्राउज किया हमने। अब जैसा कि मेरा गेम है, यहाँ देखिए ऊपर क्लिक करेंगे गेम के फोल्डर के ऊपर, ई ड्राइव गेम्स GTA 5। ई ड्राइव में गेम्स के फोल्डर में GTA 5 मेरा इंस्टॉल। तो मैं क्या करूँगा, ई ड्राइव को चूज करूँगा। फिर से देखिएगा सर, ब्राउज, फिर से मेरे को फोन आ रहा है। फिर हम गेम्स वाले ड्राइव में जाएंगे, GTA 5 ये है हमारा। इस फोल्डर को हम सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, तो हमारा GTA 5 GTA 5 GTA 5 ओके। समझ रहे हैं आप? जब हम इस फोल्डर को चूज करते हैं ना GTA 5, तो ये फिर से एक GTA 5 का फोल्डर बना देता है गलती से। इसे हटाएंगे हम इस तरह से और हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। हमें नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है जी, ठीक है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो वो इसके अंदर में पूरा मिक्स हो जाएगी फाइल। मैं आपको इंस्टॉल करके नहीं दिखा सकता, नहीं तो मेरे गेम बैगन में मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपडेट। अपडेट होने के बाद हम ये क्रैक वाला फोल्डर में से क्रैक कॉपी करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम हमारा गेम जब तक नहीं चलेगा जब हम इसे इंस्टॉल नहीं करेंगे और जब तक हम इसे क्रैक नहीं करेंगे। तो हमने क्रैक कॉपी किया और हमने इसे यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं पेस्ट नहीं कर सकता हूँ। वो सब हो जाने के बाद आप अपना गेम कहाँ से चालू करेंगे जी? आप इससे ही चालू करेंगे, लॉन्चर से। देखिए मैं डबल क्लिक करता हूँ, मेरा टाइम भी सही है, सब कुछ सही है, 6 तारीख है आज। मैंने इसे लॉन्च किया और ऊपर वाले की दया से ये लॉन्च हो जाएगा। ये देखिए पीछे में ये लॉन्च हो गया है, ठीक है। पता नहीं आपको दिख पा रहा है कि नहीं पा रहा है, बट हम देख पा रहे हैं कि गेम लॉन्च हो गया। अब वो टाइम लेगा, इसलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से आपका गेम इंस्टॉल हो जाना है, हल्का बंद भी नहीं होगा चालू होने के बाद, कि हमने से बंद किया जबरदस्ती। ओके, सिंपल सी चीज है, और कुछ नहीं करना है, कोई बड़ी चीज नहीं। आपको ये अपडेट फोल्डर में से अपडेट रन करना है और अपडेट को ई ड्राइव GTA 5 में इंस्टॉल करना है। ये देखिए ये मेरा GTA 5 है, इसमें हमको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद हमें ये क्रैक कॉपी करके इसमें पेस्ट करना है, यही बस हो गया। इतनी सी बात है, धन्यवाद।